कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, सही टाइम पर है ना शायद। ओके चलें, चलो अंदर ही चलते हैं, लेट्स गो। हेलो तो किसी के घर में हम, और वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर में हम। बस दरवाजा खोल के आ गए, लेट्स सी वेयर ही इज। देखते शायद अंदर कोई होगा, पता नहीं। कोई है? दो साल हो गए। अच्छा ये बताएं आपकी कैसे तबीयत है? जी तबीयत ठीक है, अब कोरोना के इश्यूज खत्म हो गए, अब बैठे। ओके चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं, कोरोना के इश्यूज तो खत्म हुए लेकिन नैब की जेल तो आपको याद होगी, कैसा रहा आपका नैब की जेल में एक्सपीरियंस? देखिए जेल उससे पहले भी थी, नैब की जेल थी, इस दफा कुछ हरकतें बड़ी घटिया सी थी जेल में। ओ कैसे? जो कि नॉर्मली होती नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि आप जेल क्यों आए हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में हर आदमी जानता है कि ये केस क्यों बनाए जाते हैं। आप यकीन करें, वहाँ जेल में 5,000 आदमी था और कोई, हर आदमी जानता था कि आप जेल क्यों आए हैं। और बड़ा इस बात का एहतराम करते हैं उन लोगों का जो प्रिंसिपल पर खड़े होते हैं और सियासी तौर पे बिकते नहीं हैं, उनका एहतराम किया जाता है, एक मुकाम है। लेकिन फिर घटिया हरकतें क्या थी? घटिया हरकतें एक तरीका होता है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, और हमेशा एक रवायत रही है। और वैसे भी जेल का कानून भी अलाउ करता है, कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो ज़रा इस दफा कुछ ज़्यादा ही, यानी मैं जितना अर्सा जेल में रहा मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था, यानी अकेला। ये जेल के कानून के भी ख़िलाफ़ है, ये इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, लेकिन ये उन लोगों की ज़हनी कैफियत है जो आज हुक्मरान है। अच्छा ये बताइए कि लोग कहते हैं कि आप एक डमी पीएम हैं, एंड यू ओनली डिड बिकेम प्राइम मिनिस्टर बिकॉज नवाज शरीफ आपको जो कहते थे वो आप करते थे, इज़ दैट ट्रू? ये आप नवाज शरीफ साहब से पूछ लें। मैं 10 महीने प्राइम मिनिस्टर रहा, एक फ़ोन, एक मैसेज, एक डायरेक्शन नवाज शरीफ साहब ने मुझे नहीं दी। आपको क्यों लगता मैं है? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के अलावा शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंडिपेंडेंट और एक्टिव प्राइम मिनिस्टर था। इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपका खाना भी आ गया है। जी जी, नाश्ता। आई जॉइन यू फॉर अ कप ऑफ टी और आपके जल्दी में। अच्छा ये बताएं कि नून लीग के लीडर्स आजकल बहुत वोकल हुए हुए हैं, क्या कुछ होने वाला है? स्पेशली यू, आप तो बहुत आजकल वोकल हुए हैं, तो व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं, वोकल सियासतदान हमेशा वोकल रहता है। जो सियासतदान चुप करके बैठे, जो सियासतदान चुप करके बैठ जाए वो फिर सियासतदान तो नहीं रहता। तो कुछ होने वाला नहीं है? नहीं होने वाला, देखिए सियासत को सर्कस नहीं होती, हर रोज़ कुछ होगा, लेकिन इश्यूज हैं मुल्क में, हम उनका मुकाबला करते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं, और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है BFF जो कहते हैं नून लीग में? देखिए मेरे सारे ही हैं जी, 32 साल हो गए हैं सर। तो एक दो तो होते हैं जिससे बता, हमने तो, मैंने तो हमेशा नवाज शरीफ साहब को अपना दोस्त भी समझता है, समझा है, लीडर भी समझा है, बुजुर्ग भी समझा है, एक बड़ी लंबी उनसे वाबस्तगी है। वाओ, BFF नवाज शरीफ। BFF तो आपको लाजमी देता बहस का लाज मुझे उसका मतलब नहीं आते, लेकिन जिस शख्स का मैं एहतराम करता हूँ, जिसे मैं आई लुक अप टू, वो नवाज शरीफ साहब है। अच्छा ये बताएं कि लोग कहते हैं कि आपकी सादगी जो है उस पर आपको बहुत प्रेज ही मिला था, आपकी बर्थडे पिक्चर भी जो वायरल हुई थी व्हेन यू वर प्राइम मिनिस्टर, तो क्या ये डिलिबरेटली लीक हुई थी, दिखावा था, किस तरह वायरल हुई वो तस्वीर? नहीं वो मुझे खुद उसका पता नहीं है, मैं तो सोया हुआ था, तो मेरे जो एक भतीजे भांजे ये सारे आए और उन्होंने कहा कि जनाब आप की बर्थडे है, उठाया मुझे और हम ये केक लेकर आए हैं। तो 3-4 मेरे भतीजे भांजे थे, उनमें से एक ने पिक्चर ले ली और किसी अपने दोस्त को भेज दी, वहाँ से वो लीक हो गया। मैं तो सोया हुआ था, आप तो फोटो भी देखें तो, और उसके बाद ही मैं फिर सो गया। वो फिर मैंने जो सबसे एक छोटा था मेरा वो भतीजा ही लगता है,
तो उसे मैंने कहा तफ्तीश करो कि किसने ये किया है। उसने फिर पूरी तफ्तीश की, पता चला कि किसने वो लीक की है पिक्चर। तो क्या सजा मिली जिसने लीक? नहीं, सजा नहीं, उसको मैंने समझाया, मैं कहा यार ये आप जो पिक्चर लीक करते हैं ना फिर ये एक वायरल हो जाती है, और वायरल हो गई। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पीटीआई से किसको नून लीग ज्वाइन करना चाहिए? पीटीआई वालों को पीटीआई में रहना चाहिए। शादी लव होनी चाहिए या अरेंज्ड? जी, शादी लव होनी चाहिए या अरेंज्ड? अरेंज्ड लव। अरेंज्ड लव। हु वुड यू रादर बी, अ पीटीआई मिनिस्टर या नैब ऑफिसर? दुश्मनी है। नैब ये भी कहती है कि आपने पीएसओ में इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए करके मुल्क का 1.38 बिलियन रुपीस का नुकसान किया, क्या कहेंगे आप? नहीं, 1.38 बिलियन, 138 मिलियन है। 138 मिलियन पे केस बना है, तो मैं ये कहूँगा कि उस अरसे में पीएसओ का 43 अरब का मुनाफा हुआ है, तो वो 138 मिलियन मिनहा कर दें, बाकी मुझे दे दें। अगर गलत ही था तो फिर मुनाफा तो ना होता ना। अच्छा ये बताएं कि हाइकिंग का शौक है आपको? हाइकिंग? हाइकिंग। जी जी। आप हाइकिंग जनरली मरी से आप हैं? जी, मरी में, नॉर्दर्न एरिया में। इंटरेस्टिंग। मुझे पता है कि आपको, आपके पास एक पायलट का लाइसेंस भी है, तो जरा ये बताएं कि क्या आप पीआई वाले फेक पायलट तो नहीं है? जी, ये वाले पायलट नहीं, नहीं, मैंने कभी कमर्शियली फ्लाई नहीं किया। मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ लेकिन कमर्शियली मैंने फ्लाई नहीं किया। अच्छा, जब मैं अंदर आपके घर में आई थी, वी सॉ पिक्चर ऑफ यू, सॉरी हम थोड़ा सा राउंड लगा लिया, तो हम देख सकते हैं? जी जी, दैट वुड बी ग्रेट। साथ साथ योर गो टू मिडनाइट स्नैक। मिडनाइट स्नैक? हाँ, रात को आप क्या खाते हैं, पसंद करते हैं? मैं फ्रूट, अगर रात को खाना पड़े फ्रूट, और खास तौर पे आम। कौन सा वाला आम? कोई आम हो, अच्छा आम हो। गूगल सेज यू आर एन एमेच्योर। ये सियासत में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आम खरीदने नहीं पड़ते, इतने आपके दोस्त होते हैं कि वो इतना आम आता है कि बांटना भी पड़ता है और खुद भी। Google says you're an amateur skydiver. कहाँ आपने कहाँ की स्काई डाइविंग और अभी तक करते हैं क्या? नहीं, स्काई डाइवर इज स्काई डाइवर, amateur हो या प्रोफेशनल स्काई डाइवर बड़े काम होते हैं। वो स्काई डाइविंग अमरीका में मैंने स्काई डाइविंग करता रहा, और कोई 150 के करीब। वो पुराना जमाना था, उसको स्काई डाइविंग बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, पुराना सिस्टम था, आप वो मिलिट्री पैराशूट से करते थे, काफ़ी तकलीफ होती थी, अभी तक उसके असरात हैं, नीज और एंकल्स पे उसके असरात रहते हैं। इंटरेस्टिंग। वो एक बात जो आपसे नए लोग जब भी मिलते हैं तो आपसे कॉमनली कहते हैं, जो आपको लगता है कि मुझसे हर वक्त बंदा ये क्यों सवाल करता है? जी, क्या वो बात? वो सवाल यही पूछते हैं जी, सियासत में क्यों हैं, क्या करते हैं, ये सवाल ज़रा कॉमन है, कैसे आए, ये सवालात होते हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो वन एक्सपीरियंस दैट यू आर वेरी हैप्पी अबाउट, प्राउड ऑफ, आपको याद आता है यार मैं वापस होता प्राइम मिनिस्टर तो मैं ये करता अगेन? जी, मुझे हमेशा फ्लाइंग का शौक था, मेरे वालिद भी फाइटर पायलट थे, वो पूरी ज़िंदगी रहे और बड़े पुराने जहाज़ों शुरू किया, और मॉडर्न तरीन जहाज़ मिराज उन्होंने इंडक्ट किया एयरफोर्स में, तो वो थे। तो मुझे एयर चीफ ने कहा कि आप आना चाहते हैं, तो उन्होंने ये अरेंज किया F-16 में फ्लाइट। वाओ, तो ये एक ही तस्वीर है मेरे पास अपनी पीएमशिप की, और कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है। That's very cool. तो ये मेरा ख्याल था कि वो जहाज उड़ेगा, एक चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, लेकिन 40 मिनट का पूरा एक ऑपरेशन मिशन था, और उसमें बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की फ्लाइंग उसके अंदर उन्होंने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस था फ्लाइंग में, और स्पेशली एरोबेटिक फ्लाइंग में, तो मेरा वो आपको बहुत जल्दी उल्टी आ जाती है, चंद सेकंडों में आ जाती है, तो मैं 40 मिनट में सरवाइव किया, तो वो काफ़ी पायलट इम्प्रेस थे कि आपको तजर्बा है। हाँ, एक्सेलेंट। शायद साहब मुझे पता आपने जाना है, तो कैन यू वॉक यू आउट? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आए। थैंक यू। साथ साथ दो तीन सवाल रह गए। नवाज शरीफ और आप दोनों कैप्रिकॉन हैं, व्हाट इज द वन क्वालिटी यू बोथ हैव? नहीं, नवाज शरीफ साहब में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो तवक्कल है अल्लाह पे, उनका बहुत
ज़्यादा है, और दूसरा मरवत बहुत हमेशा शफकत से हर एक के साथ, जो उनके बदतरीन, यानी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि मुशर्रफ साहब के बारे में भी निजी महफिल में भी वो मुशर्रफ नहीं कहेंगे, मुशर्रफ साहब कहेंगे या जनरल साहब कहेंगे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो आप दोनों में है। नहीं, मुझ में नहीं है, उनमें है, मुझ में इतना कम है। मैं तो काफ़ी इस मामले में एग्रेसिव बिहेवियर है। अच्छा ये बताएं, वन वर्ड फॉर 2018 की इलेक्शन। वन वर्ड मुतनाज़ा। वन वर्ड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। गैर मुतनाज़ा, अल्लाह करे। तीन लफ्ज हो गए लेकिन यही लफ्ज है। माय लास्ट क्वेश्चन। और मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है, इलेक्शन से शुरू होता है, इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। अगर आप पीएम नहीं होते तो कौन सी मिनिस्ट्री आप चाहते अगर आप एनवॉय? नहीं, मैं तो कभी ना मेरी पीएम की ख्वाहिश थी, ना मैंने कोशिश की कभी उसके लिए। और जब ये फैसला पार्टी ने किया तो मैंने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की। तो बहरहाल ये पार्टी का फैसला था। तो मिनिस्ट्री में कोई भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, मेरा इतना तजर्बा है और एतमाद है कि कोई भी आप काम दें, मैं इंशाल्लाह वो कर सकता हूँ। तो वजारत की मुझे कभी ख्वाहिश नहीं हुई। मैं 26 साल MNA रहने के बाद वजीर बना था, 26 साल के बाद। वुड यू लाइक टू बी PM अगेन? डिपेंड करता है पार्टी। देखें, ये पार्टी फैसला करती है, ये ज़ाती फैसले नहीं होते। अगर पार्टी फैसला करेगी तो ये होगा। शाहिद साहब, नेटफ्लिक्स देखते? नेटफ्लिक्स में देखता हूँ। क्या देखते हैं? ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज देख लेता हूँ। अरेंज्ड, वो जो मैच मेकिंग देखा है आपने, इंडिया वाला जो? नहीं, मैंने आखिरी जो इंडियन प्रोग्राम या फिल्म देखी थी वो शायद 77 में कभी कभी फिल्म थी, उसके बाद ना कभी प्रोग्राम देखा है ना फिल्म देखी। वाओ, दैट्स रियली जी। अच्छा, मैं एक बात कहना नहीं चाहती थी लेकिन अब करनी पड़ेगी जी। अच्छा, हमने ऐसे निकाल से पूछा कि आपका BFF कौन है, तो उन्होंने कहा शाहिद खाकान अब्बासी, बट आपका BFF इट सीम्स लाइक इज नवाज शरीफ, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दैट? नहीं, ऐसे साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, कॉम्पिटेंस वाले आदमी हैं। वो पूरी ज़िंदगी दी है उन्होंने सियासत को, वरना उनके साथ के जो ग्रेजुएट्स थे वो बहुत अमीर लोग आज बन चुके हैं। ये बड़ी उन्होंने एक सेक्रीफाइस की लाइफ गुजारी है, तो मैं इसका बड़ा एहतराम करता हूँ इस बात का। थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हमारे फर्स्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्हें हमने इंटरव्यू किया है, सो थैंक यू वेरी मच। एंजॉय NAPCO। थैंक यू।